एक शांत और संदेह रहित शहर में शांतिपूर्ण माहौल अचानक भयानक माहौल में बदल जाता है। एक ऐसा भयानक अपराध सबके सामने आता है जो सबके रोंगटे खड़े करते हैं। यहाँ एक मासूम की मासूमियत को बेरहमी से चुरा लिया गया था और मानवता की सीमाओं और हदों को पार कर दिया था। ये केस मानव स्वभाव के सबसे अंधेरे कोनों को उजागर कर देगा। तो आज बात करेंगे ऐसे दिल दहला देने वाले क्राइम के बारे में जहां लोगों का इंसानियत पर से विश्वास उठ सकता है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या ये मानवता का अंत है। तो आज बात करते हैं ऐसे दर्दनाक अपराध के बारे में। सिलीगुड़ी एक शांत और सुंदर जगह है। वो अपने टूरिज्म और टी गार्डन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पर सिलीगुड़ी में भी धीरे धीरे अब क्राइम रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। ये घटना दार्जिलिंग के माटीगारा में बनी थी जहां मेन अक्यूज का नाम मोहम्मद अब्बास था और विक्टिम का नाम प्रतिमा प्रधान था जिसके साथ ये दर्दनाक घटना हुई थी। प्रतिमा प्रधान 17 साल की थी जो यही सिलीगुड़ी के माटीगारा में रहती थी। प्रतिमा 11th क्लास में थी और वो नेपाली कल्याणी हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रही थी। अब हर दिन की तरह वो अपने स्कूल गई थी और स्कूल खत्म करके वो रोज़ के रूट से अपने घर जाती थी। अब यहाँ पर जैसे ही स्कूल खत्म होती है स्कूल के गेट के पास एक लड़का उसका इंतज़ार कर रहा होता है और ये लड़का और कोई नहीं मोहम्मद अब्बास था जिसकी उम्र 22 साल की थी। ये शख्स रोज़ ऐसे ही प्रतिमा के लिए वेट करता था और प्रतिमा ये कई दिनों से नोटिस भी कर रही थी। अब इन दोनों में बातचीत होना शुरू होती है और धीरे धीरे करके इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो जाती है। अब ये बंदा रोज़ स्कूल के गेट के पास प्रतिमा का वेट करता था और जैसे ही प्रतिमा की स्कूल खत्म होती थी वो दोनों एक रूट से अपने घर जाया करते थे। अब ये सब प्रतिमा के दोस्तों ने भी देखा था पर उनको ये लगा कि शायद प्रतिमा अब्बास को पहले से ही जानती है। अब 11 अगस्त 2023 के दिन प्रतिमा नॉर्मल डे की तरह ही अपने स्कूल गई हुई थी और जैसे स्कूल खत्म होती है स्कूल के गेट के पास मोहम्मद अब्बास प्रतिमा का वेट कर रहा था। अब ये बंदा प्रतिमा को अपने साथ कहीं चलने के लिए अप्रोच करता है। अब प्रतिमा वैसे भी उसको अपना दोस्त मानती थी और इसी वजह से उस पर भरोसा कर उसने उसके साथ चलने के लिए हाँ बोल दिया। अब यहाँ प्रतिमा को नहीं पता था कि उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला था। मोहम्मद अब्बास प्रतिमा को किसी बहाने एक अबेंडेड हाउस में ले गया, यानी कि एक ऐसा घर जो कई सालों से बंद था। वहाँ पर कोई भी नहीं रहता था और वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं था। ये जगह स्कूल से काफ़ी दूर थी और मेन सिटी से बहुत बाहर थी। अब थोड़े समय बाद उस अबेंडेड हाउस से जोर जोर से चीखें सुनाई देने लगे और ये आवाज़ वही लड़की की थी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी पर उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी क्योंकि ये एक सुनसान जगह थी। अब ये चीखें एकदम से बंद हो गई और थोड़ी देर बाद ये चीखें आना फिर से शुरू हो जाती हैं और इस बार इस आवाज़ में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। वो मदद के लिए चिल्लाई जा रही थी तभी उसी समय वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहा था। उसने ये चीखें सुन ली और उनको पता चला कि ये चीखें वो अबेंडेड हाउस से ही आ रही हैं। अब बुढ़ापे की वजह से वो वहाँ पर दौड़ कर नहीं जा पा रहे थे लेकिन वो धीरे धीरे उस अबेंडेड हाउस की तरफ बढ़ रहे थे और उस घर के आगे बहुत सारी झाड़ियाँ थीं और वहाँ पर एक पुराना गेट था जिस पे काफ़ी जंग लगा हुआ था। वो आदमी उस गेट के पास पहुँच जाता है और उस गेट को पूरी ताकत से खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो गेट खुल नहीं पाता। अब यहाँ उन्होंने देखा कि एक लड़का जिसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में एक साइकिल थी और वो बंदा अपनी साइकिल को
दीवार के बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा था। अब बुजुर्ग आदमी ने उस पर चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, पर वो रुका ही नहीं, वो दीवार फांद कर वहां से भाग गया। बुजुर्ग आदमी ये सब देखकर काफी कंफ्यूज और डर गए थे। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब किसी तरह वो गेट खोलकर उस घर के अंदर गए और उन्होंने वहां कुछ ऐसा देखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने वहां देखा कि एक लड़की की खून में लथपथ लाश थी, जिसे बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। वो लड़की स्कूल यूनिफॉर्म में थी, उसके सर पर पत्थर से कई बार मारकर उसकी हत्या की गई थी और उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से डैमेज था कि उसको कोई पहचान भी नहीं सकता, और उसके पैर पर भी कई घाव के निशान थे। ये सब देखकर वो बुजुर्ग आदमी और डर गया और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। अब पुलिस इस जगह पर पहुंच चुकी थी और पुलिस ने ये आइडेंटिफाई किया कि ये लड़की प्रतिमा प्रधान ही है, जो अपने स्कूल के बाद से गायब थे। फिर प्रतिमा के पेरेंट्स को पुलिस द्वारा कांटेक्ट किया गया और उन्होंने ये कंफर्म किया कि यही उनकी बेटी प्रतिमा है। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने वो बुजुर्ग आदमी को पूछा कि क्या उन्होंने वो लड़की के फेस को देखा था, पर उन्होंने वो नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने ब्लैक टी शर्ट और उसकी साइकिल का पूरा डिस्क्रिप्शन पुलिस को दे दिया था। अब पुलिस के पास यही इन्फॉर्मेशन थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। वो पूछताछ करके स्कूल की तरफ गए। वहाँ पर स्कूल के गेट के पास उन्होंने ये नोटिस किया कि वहाँ पर एक पोल था जिस पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उन्होंने उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करी और उस फुटेज में उनको अपना अपराधी मोहम्मद अब्बास मिल गया था। अब अगली ही सुबह 24 घंटों में पुलिस ने अब्बास को अरेस्ट कर लिया और अब्बास ने खुद अपने सारे गुनाहों को कबूल किया था। अब अब्बास के कन्फेशन के मुताबिक अब्बास प्रतिमा को लेके उस अबैंडेड घर में गया था और उसने प्रतिमा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन प्रतिमा मानी नहीं। फिर अब्बास ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस पर वार किया था, उसको मारा था। प्रतिमा मदद के लिए चिल्लाने लगी थी और उसको चुप कराने के लिए उसने प्रतिमा के सर पर पत्थर से वार किया था और वो इतना रेज में आ गया था कि उसने प्रतिमा के सर पर पत्थर से कई बार वार किया, जिससे वहाँ प्रतिमा की मौत हो गई थी। और जब अब्बास को ये रियलाइज़ हुआ कि उसने मर्डर कर दिया है, तब उसे वहाँ से भागने की कोशिश की, पर वहाँ उस आदमी ने उसको देख लिया था और सीसीटीवी फुटेज से वो पकड़ा गया। थैंक्स टू द लोकल मीडिया जिसने इस केस को काफ़ी अच्छी तरीके से कवर किया था। पुलिस का इस केस के बारे में क्या कहना है और उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके सामने कौन सी चीज़ें आई है, वो आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। जन घटना हुई थी एक माइनर गर्ल के 5 समय हमें खबर पाई जे एखने एक जगह थे बासा ग्यारेज नाम जगह ओखने बॉडी पावा गए एक माइनर गर्ल स्कूल यूनिफॉर्मे तक तदंत शुरू है माटीगाड़ा थाना थे और सोर्स इनफरमेशन बेसिसे और हमारे रास्ता जो आई विटनेस वगैरह छो सवार स्टेटमेंट वगैरह नहीं तदंत शुरू है तारपरे हमारा एक अक्यूज के धरते पारी जो सिंगल अक्यूज छो। और इस केस की कार्यवाही अभी भी चल रही है, इस केस का फाइनल वर्डिक्ट आना अभी भी बाकी है। प्रतिमा प्रधान सिर्फ एक अकेली विक्टिम नहीं है, हमें और भी ऐसे कई केस देखने को मिलते हैं जो कि इंसानियत की हदों को पार कर देते हैं। अरुणा साबुक केस में भी उनको जस्टिस मिलने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा था,
तो हम यही प्रे करते हैं कि प्रतिमा प्रधान को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले और मोहम्मद अब्बास जैसे कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।